दोस्तों गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार गोला और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वेस्टीज के POS एप्लीकेशन से आप बिना फॉर्म के ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के अंदर वेस्टीज POS नाम से जो ऐप आता है उसके लिए आप पहले इंस्टॉल करिए, ठीक है, या फिर ऑलरेडी आपके इंस्टॉल है तो उसे अपडेट करो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई आई हुई हैं। उसके बाद उसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, यूज़र नेम और यूज़र पासवर्ड। तो उसमें जब आप लॉगिन करोगे तो उसके अंदर पांच ऑप्शंस आते हैं, ऑर्डर, माय ऑर्डर, ऐड डिस्ट्रीब्यूटर, लॉगआउट और डाउनलाइन KYC। आपके लिए जो ऑप्शन क्लिक करना है वो करना है ऐड डिस्ट्रीब्यूटर। ऐड डिस्ट्रीब्यूटर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो सामने आपको फॉर्म दिख रहा है ऐसा ही आपको सामने आपके आ जाएगा खुल के, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अप्लाइन आईडी। अप्लाइन आईडी के अंदर आपको वो अप्लाइन नंबर डालना है जिसके नाम में आप किसी को भी लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं अप्लाइन आईडी डालना चाहूँगा यहाँ पर 5471777 45। यहाँ से जब इसे यहाँ पे आईडी डालने के बाद हमको क्या करना है, वैलिड करना है। जब हम यहाँ पे वैलिड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस व्यक्ति का नाम निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ओके करना है हमें। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट वन डाउनलाइन आईडी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट वन डाउनलाइन आईडी। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये पाँच डिस्ट्रीब्यूटर आईडी निकल के आती हैं, इनमें से आप जो भी आपको सही लगती है आईडी, जो भी आप पसंद करना चाहते हो वो आप एक सिलेक्ट कर लो। इसमें से जैसे कि मैं ये वाली सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये आईडी आपको अपनी नोट करनी है, या फिर नोट नहीं कर पा रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, यही आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सब नीचे फिर आता है फ़ोटो का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फ़ोटो आप अपनी गैलरी में से भी लगा सकते हो किसी का भी, बाद में एडिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास रियल है तुरंत तो आप उसे तुरंत भी लगा सकते हो। मैं यहाँ से कोई सा भी फ़ोटो लगाता हूँ, जैसे कि सपोज दैट, चलो कोई सा ही ले लेते हैं, ये वाला मैंने फ़ोटो ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूटर का फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ये ध्यान रखें कैपिटल लेटर में भरा जाएगा, भूपेंद्र, भूपेंद्र। इनका सेकंड नेम डालना है सिंह, SINGH सिंह, ठीक है। उसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, जिस भी आप डाउनलाइन की आईडी लगा रहे हैं उसकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए, 21/01/1982, ठीक है। उस डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर होना चाहिए यहाँ पे 9586668, ठीक है, एक बार चेक करता हूँ 8505 95, ठीक है, ओके सही है। यहाँ पे फिर ईमेल आईडी आप दोस्तों ज़रूर डालिए, जैसे कि मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ, ईमेल आईडी इसलिए ज़रूर कंपलसरी है क्योंकि अगर आपका मोबाइल कहीं भी खो जाता है तो आपको पासवर्ड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस डालना है, हाउस नंबर जो इसका है, हाउस नंबर जो इसका है वो है 34, ठीक है। उसके बाद विलेज एंड पोस्ट
विलेज एंड पोस्ट जो है वो है KHATYARI, कात्री। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, AL, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इससे आप सेकंड में डाल दो, LMORA, अल्मोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका पिन नंबर डालना है 263656। पिन नंबर डालने के बाद यहाँ से हमें गो करना है इसको, तो हम इसे गो करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिटी है, स्टेट और उसका जोन, कंट्री वगैरह सारी चीज़ें लिख के आ जाती हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं सिस्टम के अंदर। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आता है कोडिस्ट्रीब्यूटर, कोडिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों ज़रूर डालना है यहाँ पे। कोडिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है एक आईडी पे दो लोग काम करने वाला है, मतलब दूसरा। तो कोडिस्ट्रीब्यूटर मैं बनाता हूँ बीना और देवी, BEVI, बीना देवी। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1984। ठीक है, अभी हमारा पूरा फॉर्म फिल हो चुका है, आप एक बार चेक कर सकते हो इसे पूरा। ठीक है, भूपेंद्र सिंह, ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है इस फॉर्म को, आपका ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। और ये आईडी अगर आप तुरंत इस पर बिलिंग कराते हो तो तुरंत शो हो जाएगी, वरना ये आईडी आपकी 24 घंटे में शो हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आपने सीखा इस प्रकार हम बिना एप्लीकेशन फॉर्म के वेस्टिज में ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लिख के आ गया है, यहाँ से हमें ओके करना है। ये देखिए हमारी आईडी जो थी वो सक्सेसफुली लग चुकी है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।